पिछले काफी वक्त से अपनी मूंछों को ताव देने वाले रणवीर सिंह अब बिन मूंछों वाले हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार को जैसे ही उनकी फिल्म बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई, वैसे ही उनकी कथित गर्लफ्रेंड और को स्टार दीपिका पादुकोण ने उनकी मूंछें काट दी। इस वीडियो के साथ ही रणवीर ने एक अन्य फोटो दीपिका के साथ शेयर की है। फोटो में रणवीर हल्की दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, पहचान कौन। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म रॉकी हैंडसम का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। निशिकांत कामत के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में जॉन एक एंग्री यंग मैन के किरदार में नजर आएंगे। फर्स्ट लुक में भी जॉन के हाथ में गन और चेहरे पर अजीब सी खामोशी है। इससे पहले जॉन और निशिकांत फोर्स में एक साथ काम कर चुके हैं। जॉन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रॉकी हैंडसम का फर्स्ट लुक शेयर किया है। जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक बार फिर अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में हैं। पहले आरती बजाज और फिर कल्की कोचरन के साथ शादी टूटने के बाद अब वो कथित तौर पर शुभ्रा शेट्टी नाम की एक मीडिया स्टूडेंट को डेट कर रहे हैं, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। हालांकि 43 साल के अनुराग ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभ्रा शेट्टी मीडिया स्टूडेंट है और पिछले साल मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद फिलहाल अनुराग की प्रोडक्शन कंपनी फैंटम फिल्म्स के साथ काम कर रही है। राजा कृष्णा मेनन के निर्देशन में बनी एयरलिफ्ट 22 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार और निमृत कौर लीड रोल में हैं। फिल्म एयरलिफ्ट का फर्स्ट सॉन्ग सोच ना सके रिलीज हो गया। ये गाना अक्षय और निमृत कौर पर फिल्माया गया है। निमृत इससे पहले फिल्म लंच बॉक्स में इरफान खान के साथ काम कर चुकी है। आमिर खान के साथ मिलकर तारे जमीन पर जैसी फिल्म बनाने वाले अमोल गुप्ते अब भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। डायरेक्टर अमोल गुप्ते की इस फिल्म की शूटिंग को लेकर फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं बना है। साइना का रोल निभाने के लिए दीपिका या आलिया से भी बातचीत की जा सकती है। 88वें ऑस्कर अवार्ड में भारत की दावेदारी खत्म हो गई है। चैतन्य तामने की मराठी फिल्म कोट ऑस्कर की बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी की दौड़ से बाहर हो गई है। एकेडमी की हालिया शॉर्टलिस्ट हुई फिल्मों में ये फिल्म शामिल होने में असफल रही। 80 फिल्मों में से ऑस्कर के लिए फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में अंतिम 9 फिल्में चुनी जा चुकी हैं और 88वें एकेडमी अवार्ड के लिए वोटिंग के चरण में पहुँच गयी है। जैसलमेर में शूटिंग कर रहे भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है। कन्नौई गांव के पास रवि किशन जिस गाड़ी में सवार थे वो असंतुलित होकर पलट गई। इस दौरान उनके साथ 3-4 और युवक भी थे। घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां जांच के दौरान रविशंकर के कंधे में फ्रैक्चर पाया गया। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपने नए फोटोशूट में कहर ढाती नजर आ रही हैं। इसका फायदा उन्हें सोशल मीडिया पर भी मिला है। ट्विटर पर परिणीति के 60 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। उन्होंने अपने प्रशंसकों को इसका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट किया, सब कैसे हैं? ये ब्रेक बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ट्विटर से बहुत ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती। थैंक यू फॉर 6 मिलियन लव।